और सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह जमानत याचिका विधानसभा पास के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर लगाई गई थी, जो कि रद्द कर दी गई है। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि अब इस मामले की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई जाएगी। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर छेड़छाड़ के मामले में दर्ज केस पर सुनवाई होनी फिलहाल बाकी है। इस पर अभी पुलिस की रिपोर्ट भी आनी बाकी है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए नकुल और संजय को जमानत मिल गई है, जिन्हें मिलाकर श्रीकांत त्यागी के कुल 8 समर्थकों को जमानत मिल गई है। इसके द्वारा 420, 419, 482 और 216 जिसमें है मुलजिम को शरण देना, संबंधित सेक्शन में माननीय हमारी मजिस्ट्रेट निकोल श्रीवास्तव जी द्वारा जमानत दी गई है और आगे जो होगा उसके द्वारा सर श्रीकांत त्यागी के 419, 420 वाले श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत की लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी।